दोस्तों राफी जो है रैबिट्स के लिए घास लेके आ गया है, यहाँ पे डाल दे बस, ठीक है यहीं पे डाल दे। कौन सा नजर आ रहा है मुझे दोस्तों? हमारा व्हाइट वाला बिल्ला जो है ना भाई, वो नीचे भाग गया बारिश के बाद, जो है ना मिला ही नहीं हमें, और राफी जो है अभी गया, उसको नजर आया वहाँ पे। यार ऐसा ना, हमने तो जंगल सफारी करने भी जाना था, मुझे लगता है प्लान कैंसिल करना पड़ेगा ना, कल चले फिर, आज तो बारिश है, तो यार जल्दी से मैं अंडे लेके आता हूँ, ब्राउनी के नीचे रखते हैं, फिर देखते हैं अगर तो बारिश रुक गई तो हम लोग जाएंगे, वरना कल पे। ठीक है, आज मिनी जू के अंदर आते ही ना सबसे पहले मैंने अपनी कैट्स को बाहर निकाला, क्योंकि भाई ये लोग ना भागने के चक्कर में है। इन लोगों ने अपने केज की जाली जो है नीचे से सारे खराब कर दिए, पहले तो अल्फा ने ये वाली सारी जाली खराब की थी, और अब जो है ना हमारी कैट्स यहाँ पे सारे मिल के पाँव मारती है, और सबसे आगे जो है ये वाला बिल्ला होता है भाई। इन लोगों ने ना जाली तोड़ के मुझे लगता है भागने के चक्कर में, लेकिन मैं भी इनको भागने नहीं दूंगा। अब जब भी वेल्डर आएगा ना तो हम लोगों ने ये दोनों केज ठीक करवा देने हैं। क्यों मिल रहे, कहाँ जाना है तुम्हें? बिल्ला जो है ना बड़ा लविंग है यार, हर टाइम पास ही घूमता रहता है, इसकी डाइट भी लेके आ गया राफे, और बाकी दाना भी लेके आ गया, अभी दो मिनट में डालते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पेट हाउस। तो यार कैसे हो आप सब? अपना तो बस पुराना है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में मैं भी। फिर आज जो है ना, अभी तक हमने अपने असील मुर्गों को अंदर ही बंद किया हुआ है, राजू और रानी तुम लोग चेक कर सकते हो अंदर ही, और आज रानी ने कोई अंडा भी नहीं दिया और ना ये कुड़क हो रही है, लेकिन मजे की बात यह कि आज हमारी ब्राउनी कुड़क होगी भी है, और ब्राउनी को ना हम लोग आज अंडों के ऊपर बिठाने वाले हैं। लेकिन भाई उससे पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं भाई, जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब बटन, और आज के ब्लॉग हम यहीं से करते हैं जी शुरू। दोस्तों ये जो छोटे वाला केज है ना ब्राउनी, इसके अंदर अंडों पे बैठ गया है, और ये अंडे हमने इसके नीचे नहीं रखे थे, ये हमारी देसी मुर्गियों के अंडे यहाँ पे पड़े हुए थे, उन्होंने 5-6 अंडे दिए और ब्राउनी आके अंडों के ऊपर बैठ गया। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, सारे केजों की सत्यानाशी हो गया, और ये वाला केज भी जो है ना गिन्नी फॉल्स ने तोड़ दिया है, और नीचे से बाहर निकल आती है, अब इसके आगे हमें फट्टा लगाना पड़ता है, और ब्राउनी वो बैठी हुई है सामने, पता नहीं कितने अंडे यार, मैंने तो देखे भी नहीं है, लेकिन राफे ने मुझे बताया कि भाई ये कुड़क होगी और अंडों के ऊपर बैठी हुई है, अब इसके नीचे ना हम लोग असील मुर्गों के अंडे लगाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है ये बेंटम के अंडों पर बैठ गई, इसको बैठा रहने दें, सील मुर्गों के बच्चे निकलवाए इससे, क्या करें जा पूछ के, लेकिन देखते हैं भाई इसे क्या करें, आज इसको हम लोग बिठा के छोड़ेंगे या तो सील मुर्गों के अंडों पे और या बेंटम के अंडों पे। लेकिन फिलहाल जो है सभी पेट्स को सबसे पहले दाना डाल देते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, ये लो तरकी बाट तुम यहाँ पे खा लो, और अंदर वाले मुर्गों को ना हमने अंदर ही दाना डालना है, अभी पक पक शुरू हो गया सबकी, देसी वाले मुर्गे को भी अंदर डालेंगे। ये आ गया बाहर हमारा रॉकी, अच्छा रॉकी इस केज के अंदर बंद था, मैं सोच रहा हूँ रॉकी पता नहीं कहाँ गया है। कालू ये क्या खा रहे यार, ये तो हमारे बजीज के पार है दोस्तों, कालू ने की बजी पता नहीं अटैक किया, वो ये भी खा रही है भाई साहब, अच्छा ये वो वाला बजी है यार जिसने फांसी ले ली थी, ये वो वाला बजी है। दोस्तों इस बजी ने ना अपने आप को भाई तार के साथ लटका के केज के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी, पिछली एक दो वीडियो से मैंने तुम लोगों को दिखाया हुआ था, ये इस वाली तार के साथ था, ये लटका हुआ था, और ये एक्सपायर बजी था, और ये देखो फेंटा के काम आ रही है, इसको खाई जा रही है। फेंटा इधरा इधरा इधरा, मुझे दे दे बजी, नहीं ओए पंजा मार ऐसे यार मेरे हाथ में इतने जोर का। और बाकी सारे पेट्स तो यहाँ पे दाना खा रहे हैं, लेकिन कल वाले ब्लॉग में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारी स्वीटी मिनी जू से गायब हुई हुई है, स्वीटी आज भी मिनी जू के अंदर बंद नहीं है, चेक कर सकते हो तुम लोग, लेकिन भाई स्वीटी जो है ना वो नीचे बंद है, क्योंकि स्वीटी जो है ना भाई बाकी सारे पेट्स को बड़े ही तंग करती है, ना इनको दाना खाने देती है, और जो भी इसके करीब जाता है इसको पटक देती है। लेकिन आज हम लोग स्वीटी को जो है ना भाई वॉक के ऊपर लेके जाने वाले हैं, डैम पे तो हम उसको हर बार ही लेके जाते हैं, लेकिन आज हम उसको ना जंगल सफारी करवाने वाले हैं, उसको लेके जाएंगे जंगल में, और देखते हैं भाई कोई वाइल्ड एनिमल मिलता है तो स्वीटी का रिएक्शन क्या होगा। ये फरमाइश थी भाई हमारे राफे साहब की, कह रहा था कि भाई हर बार हम डैम के ऊपर जाते हैं, तो इस बार जो है ना हम लोग जाएंगे जंगल के अंदर, देखते हैं भाई जंगल में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें ना सभी पेट्स को दाना डालना होगा, दाना तो डाल चुके हैं, लेकिन कैट फूड भी डाल दो, बिल्लियों को डालो, उसके बाद निकलते हैं हम, ठीक है? दोस्तों राफी जो है ना रैबिट्स के लिए घास लेके आ गया है, यहाँ पे डाल दे बस, ठीक है यहीं पे डाल दे। कौन सा हट, आगे से एक मिनट हटो यार, रैबिट्स का बच्चा एक्सपायर हो गया दोस्तों, यार ये तो बिल्कुल सेहतमंद था दोस्तों, पता नहीं इसको क्या हुआ है यार, ये सुबह का मरा हुआ है, ये देखो अभी तो बिल्कुल लकड़ा हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं जरा, बाकी बच्चे सेफ हैं, बाकी तो दोनों वो सामने बैठे हैं, कि ये ब्राउन वाला बच्चा और एक वो बीच में है, लेकिन इसको क्या हो गया यार, किसी चीज का निशान भी नहीं है, किसी ने अटैक भी नहीं किया, और बिल्कुल तंदुरुस्त था, कल मैंने आके इसको देखा था, कल वाली वीडियो में तुम लोग जाके देखना भाई किस तरह से एक्टिव था ये, पता नहीं इस बेचारे को क्या हुआ, सर इसको क्या हो गया यार, हसन को पता है भाई इसको क्या हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है, हसन ले जाए यार इसको, ये लो घर में पाल लेना पक्का है। दोस्तों पता नहीं आजकल ना मिनी जू में क्या हो रहा है, पहले हमारे टर्की चिक्स एक्सपायर हो गया, और अब जो ना हमारा एक रैबिट बेबी एक्सपायर हो गया, ये चेक करो कितना क्यूट था यार, ये सा कलर कितना प्यारा है, बिल्ले को पीछे कर यार बिल्ले, अब तू ना कोई अड़ाप कर ले, इनका केज बंद कर देते हैं, इनको हमने घास भूस डाल दिया है, हाशिर इसको दफनाओ जाके। A few moments later. हम लोग जो है ना ब्राउनी के नीचे एग्स रखने वाले थे, ब्राउनी को हमने बाहर निकाला और उसके नीचे काफी ज्यादा अंडे पड़े हुए हैं, मैं तो सोच रहा था सिर्फ देसी गैंग के अंडे होंगे, लेकिन काफी ज्यादा अंडे पड़े हुए हैं, और बारिश भी तुम लोग चेक कर सकते हो भाई आ गई भी है। केज हम लोग सबसे पहले मुर्गियों को खोल देते हैं ताकि सारी मुर्गियां अंदर चली जाए, ये ना बारिश पड़ने से ये बीमार भी हो सकती है। चलो 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 अंदर चले जाओ तुम सारे। दोस्तों मैं जल्दी से ना नीचे से अंडे लेके आता हूँ, क्योंकि राफे अभी तक अंदर ही बैठा है, तो ब्राउनी को एक बार बिठा के ना यार, ऐसा ना हमने तो जंगल सफारी करने भी जाना था, मुझे लगता है प्लान कैंसिल करना पड़ेगा ना, कल चले फिर, आज तो बारिश है, तो यार जल्दी से मैं अंडे लेके आता हूँ, ब्राउनी के नीचे रखते हैं, फिर देखते हैं अगर तो बारिश रुक गई तो हम लोग जाएंगे, वरना कल पे। ठीक है।
तो भाई स्वीटी जो है ये नीचे बैठी हुई है और काम चेक कर रहा है इसके, इसका बाहर जाने का बड़ा दिल कर रहा है। बारिश भी जो है रुक चुकी भी है, लेकिन भाई आज हम लोग स्वीटी को बाहर नहीं लेके जा सकते। क्या स्वीटी है बाहर जाना है, कल लेके जाएंगे तुम्हें बाहर दोस्त। तो अभी जो है ना जंगल के अंदर भाई कीचड़ ही कीचड़ होगा, और अगर हम लोग स्वीटी को बाहर ले गए भाई स्वीटी जो है ना पूरी गंदी हो जाएगी और हमारा चलना भी वहां पे मुश्किल होगा। अभी चलते हैं ऊपर और ब्राउनी को जो है ना एक्स के ऊपर बिठाते हैं। कौन गया है वो देखो भाई, फंटा कहां पे जाके बैठी है राफी, ये देख फंटा के काम चक्कर। फंटा नीचे आ, दरख्त को लाते हैं जरा। फंटा नीचे आ जा भाई, पानी सारा मेरे ऊपर गिर रहा है यार। फंटा आ जा नीचे, वो देखो कितनी हाइट पे जाके बैठी हुई है ये। फंटा नीचे आ जा, नीचे आ जा यार, इसको नीचे कैसे उतारो, खुद ही आ जाएगी। आ जा नीचे, आ जा हाथ पकड़ा। दोस्तों अंडे में ऊपर लेके आ गए हूँ, और कितने अंडे हैं ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अंडे हैं ये। 15 अंडे कवर कर लेगी ब्राउनी। बीच में बैंटम के अंडे छोटे हैं और सिर्फ देसी गैंग के अंडे बड़े, लगाओ जरा देखते हैं, अगर ना बैठ पाई ना भी ब्राउनी तुम्हारे लिए जो अंडे हम काम कर देंगे। चलो लेट्स गो, अंदर चला जा रहा फिर। दोस्तों वो सामने वाला जो कोना है ना ब्राउनी, वहां पे कुड़क बैठती है भाई, उसके अलावा ये पूरे मिनी ज़ू के अंदर कुड़क ही नहीं बैठती। मगर क्यों, पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि मुर्गी कुड़क हो तो भाई जहां पे भी बिठा दो बैठ जाती है, लेकिन ब्राउनी जो है ना सिर्फ वहां पे बैठती है। और कालू उसके केज से बाहर आ रहा है यार, ये खतरा है बिल्लियों का भी वैसे, यहाँ नीचे से अगर गई तो भाई अंडे वंडे तोड़ ना दे इनके। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पे हम लगाएंगे फट्टा और भाई ब्राउनी रेडी टू गो है। 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी से लगा दे बस। फिर फाइनली टाइम हो गया ब्राउनी को अंडों के ऊपर बिठाने का। अभी छोड़ते हैं इसको जरा यहाँ नीचे से और देखते हैं भाई सीधा जाएगी अंडों के ऊपर या नहीं। वैसे है तो प्रॉपर कुड़ो कोई भी है। ये गई ब्राउनी, ये बैठ गई अंडों में फाइनली भाई साहब। यार इंटे ना थोड़ी सी राफे खुली करनी पड़ेंगी, अंदर जाओ वापस से, अंदर जाओ थोड़ी सी इंटे खुली करो, जगह जो है ना ब्राउनी के लिए कम होगी, ऐसा ना हो और अंडे भी टूट जाए। हाँ ये एक और लगा दो यहाँ पे, अब खुली होगी भैया, बिजी बैठ जाएगी यहाँ पे। चलो आ जाओ। वो सामने खड़ा हुआ देखिए, भागना चाहिए, वो नीचे है, वो नजर आ रहा है मुझे। दोस्तों हमारा व्हाइट वाला बिल्ला जो है ना भाई वो नीचे भाग गया, बारिश के बाद जो है ना मिला ही नहीं हमें। और राफी जो है अभी गया, उसको नजर आया वहां पे, पकड़ ले पकड़ ले। ये पकड़ लिया भाई, यार बहुत शरारती हो गई ये। बाकी सारी कैट्स तो हमारी यहाँ पे ही है, बल्कि बाकी कैट्स भी यहाँ पे नहीं है यार, बाकी कैट्स का गई है भाई। मानी तो भी यहाँ पे खड़ी हुई थी और फंटा भी यहाँ पे थी, सारे गायब हो जाते हैं यार अचानक से। ये देखो मानी भी उसके पीछे पीछे जा रही है और पीछे कालू भी जा रहा है। भाई फंटा कहाँ चलेगी यार, चौथे वाली भी यहीं कहीं भी होनी चाहिए, चौथे वाली ये जा रही है। फंटा फंटा इधर आ जा तू भाई, फंटा नीचे जा रही है यार, सारी बिल्लियां इधर उधर घूम रही है, इनको दोस्तों हमें फौरन से बंद करना पड़ेगा। राफे सबको लेके आए ठीक है। बिल्ला ये आ गया, ये आ रहा है बिल्ला। बिल्ले कहाँ गया था यार, क्यों भाग जाता घर से, आंखें देख कितनी गंदी करके आया, सारी बॉडी गंदी की हुई है, पता नहीं दोस्तों कहाँ कहाँ से घूम के आ रही है। अभी जो ना हम लोग कैट्स को बंद करने वाले, और भाई आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, लव यू हो गया तुम सब लोगों को, बाय।